प्रोफेसर सी वी रमन, आप सबने उनका नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज विजेता और बहुत जाने माने साइंटिस्ट। रिटायरमेंट के बाद सी वी रमन जी ने सोचा कि मैं बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना हर किसी के बस का नहीं है, पर जहाँ प्रोफेसर सी वी रमन हूँ वहाँ ये काम मुश्किल है। बस उन्होंने कुछ लोगों को ये भेजा कि भाई इसके लिए साइंटिस्ट की ज़रूरत है और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं मेरे इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कीजिए, और काफ़ी एप्लीकेशन आई, सॉर्ट आउट किया गया, उसमें से कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में कुछ लोग आए चले गए, और एक कैंडिडेट ऐसा भी था जो आया पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पांच ही जगह थी और पहले पांच में उसका नाम नहीं था, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन सी वी रमन साहब बगीचे में अपने टहल रहे थे कि ये लड़का वहां आया और हाथ जोड़ के बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो सी वी रमन साहब, उन्होंने कहा कि हाँ बताओ क्या बात है, तुम तो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कल इंटरव्यू में आए थे और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सका, तो इसमें कोई निराश होने की या दुखी होने की बात नहीं है, जो तुमसे ज्यादा काबिल थे हमने उनको ले लिया है। उसने कहा नहीं सर, मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं इस काबिल नहीं निकला, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, मैं और मेहनत करूंगा और प्रयास करूंगा, मैं तो किसी और कार्य से आया था। सी वी रमन जी ने कहा बताओ क्या काम है। क्या सर कल जो है हमको जो हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस था वो मिला था, तो उसमें 7 रुपए मुझे ज्यादा मिल गए हैं। वो रुपए मैं लौटाने ऑफिस में गया था तो उन्होंने कहा भाई अब तो हम सब क्लोज कर चुके हैं, ये 7 रुपए तुम रखो और मौज करो, अब हम नहीं ले सकते, छोड़ो 7 रुपए में क्या है। पर साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए 7 रुपए बहुत भारी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये 7 रुपए लौटाने आया हूँ कि मुझे ये 7 रुपए नहीं चाहिए। सी वी रमन जी ने उसके हाथ से 7 रुपए लिए और कहा कि देखो ऐसा है, कल आ जाना मेरे ऑफिस में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हुजूर, जरूर आ जाऊंगा सर, आप बुला रहे हैं मैं आऊंगा। दूसरे दिन ये लड़का सी वी रमन साहब के ऑफिस में पहुंचा और जाकर उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा साहब आपने मुझे सर बुलाया था, बताइए। सी वी रमन साहब ने एक कागज निकाला और उससे कहा कि वैसे तो 5 ही वैकेंसी थी मेरे इंस्टीट्यूट में, पर मैं 6ठी वैकेंसी आपके लिए क्रिएट की है और मैं आपको नियुक्ति देना चाहता हूं एज ए प्रोफेसर इन माय इंस्टीट्यूट। ये हैरान रह गए और इन्होंने कहा सर आपकी बहुत मेहरबानी, पर मैं जान सकता हूं ऐसा क्यों? जानते हैं क्या कहा सी वी रमन ने? उन्होंने कहा ईमानदारी एक ऐसी आपके पास बहुमूल्य अमानत है जिसकी कीमत ज्ञान भी नहीं कर सकता, ज्ञान कुछ कम होगा चल जाएगा, पर ईमानदारी अगर कुछ कम होगी तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आप जैसे ईमानदार शख्स की मेरे इंस्टीट्यूट को खास तौर पर जरूरत है, इसलिए आपका स्वागत है, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आइए। जानते हैं ये लड़का कौन था? नहीं ना? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूं, इनका नाम था प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इससे भी बड़ी बात कि प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी
नोबेल प्राइज मिला 1983 में, और उन्होंने एक बुक भी लिखी इसी बात पर कि कैसे मेरे जीवन को 7 रुपीज ने चेंज कर दिया। आज वो यूएस सिटीजन हैं, पर उनकी ये कहानी जो सच्ची कहानी है हमें और आपको बहुत कुछ सिखा गई होंगी, बहुत कुछ बता गई होंगी। हम और आप जो अक्सर ये सोचा करते हैं कि ये वैल्यूज जो हमने संस्कारों में ली है इसका क्या फायदा, तो आज के बाद अपने ऊपर गर्व कीजिए अगर आपके अंदर कुछ भी अच्छे संस्कार हैं। ईमानदारी हो, सच बोलना हो, दूसरों की मदद करना हो या फिर अन्य कोई भी, चलिए गर्वान्वित महसूस करें हम और आप अपने ऊपर। और अगर नहीं है कोई अच्छी वैल्यूज तो उनको अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे, अभी से ही करेंगे ना। जी हाँ,